हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किसका माखन चुराया है? किसी का नहीं। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। यही कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मोल देना पड़ेगा। हाँ ले लो, मेरे कंगन ले लो। कंगन नहीं लेंगी। फिर क्या लोगी? बताएं, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ सबके सामने। सबके सामने ला जाती है। अच्छा ला जाती है, परंतु हम तो सबके सामने ही लेंगी। मुझे नहीं, मुझे नहीं। हमारे घर आज दो दिन से वो माखन चुराया ही नहीं। उसे माखन मिस्त्री अच्छा लगता है ना, उसके लिए विशेष रूप से अपनी लाखी गाय के दूध का माखन निकाल कर घर के सामने ऐसे स्थान पर रखती हूँ जहाँ गली से आते जाते भी उस पर दृष्टि पड़ जाए। घर का मुख्य द्वार भी खुला रखती हूँ कि माखन देखकर वो सीधा घर में आ जाए। मैंने तो माखन का कटोरा अपने हाथ में ही रखा है। तेरा माखन क्यों खाएगा? उसके लिए तो मैंने अपनी लाखी गाय के दूध का माखन रखा है। तुम दोनों का ही माखन नहीं लेगा वो। क्यों? इस प्रकार उसे ला जाती है, कहता है मैं भिखारी थोड़ी हूँ, उसे तो माखन चुराने में ही आनंद आता है। मांगने में ला जाती है, परंतु चोरी करने में जैसे बड़ी वीरता दिखती है उसे। इसीलिए मेरे घर वो कई बार आया है, और पता है जब वो आता है ना तो मैं तो किवाड़ के पीछे छुप जाती हूँ और उसकी बाल लीलाएं देख देख कर आत्मविभोर होती रहती हूँ। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी के घर जाते हैं उसके चरण। वो आ रहा है। हाँ? हाँ? काना, काना हमारी गली की तरफ आ रहा है। चुराया है? किसी का नहीं। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। यही कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मोल देना पड़ेगा। हाँ ले लो, मेरे कंगन ले लो। कंगन नहीं लेंगी। फिर क्या लोगी? बताएं, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ सबके सामने। सबके सामने ला जाती है।
अच्छा ला जाती है, परंतु हम तो सबके सामने ही लेंगी। तुम सबने मिलकर मुझसे धोखा किया है। धोखा तो तुमने किया है, माखन भी खाया और चुंबन भी नहीं दिया। एक बार सबको फिर चुंबन देना पड़ेगा, नहीं तो सब मिलकर यशोदा माँ के पास जाएंगी। हाँ, हाँ, जाएंगी। अच्छा पर हौले हौले लेना, पर एक एक करके लेना। अच्छा बाबा एक एक करके, चलो सब पीछे हो जाओ। यशोदा के घर क्यों जन्मा रे, मेरा पुत्र क्यों नहीं हुआ? हम केवल चुंबन ही नहीं लेंगी, सुना है तुम्हें नाच भी आता है। हाँ तो नाच कर दिखाओ। इसके पश्चात जाने दोगी? हाँ थोड़ा सा नाचूंगा। कैसे मोह जाल में फंसा लिया है सबको। राधे ये मोह जाल नहीं है, ये इन सबकी पिछले जन्मों की कामना है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। मैं समझी नहीं। देखो राधे ये सब जो ग्वालिने हैं ये अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े योगी सिद्ध और तपस्वी थे जिन्होंने जन्म जन्मांतर घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था। इन सब की कामना थी कि हमारी माता बने। अब तुम ही बताओ राधे एक जन्म में कितनी माओं को संभालूं? पहले से ही दो माताओं में बटा हुआ हूं, सो हमारे प्रति इनकी ममता और स्नेह की प्यास बुझाने के लिए योग माया ने इन्हें ग्वालिनों के रूप में गोकुल भेजकर इनकी अंतरंग इच्छा पूर्ण कर दी है। वास्तव में ये आत्माओं का परमात्मा के लिए मिलन नृत्य है। ये भक्तजन आपको नचा रहे हैं और आपकी माया उनको नचा रही है। आपकी अनुपम लीला देखकर कितना आनंद आ रहा है।
हाय भगवान, कैसा छलिया है, कैसे धोखा देकर भाग गया। मेरा तो सारा माखन ही खा गया, मेरी तो घर में पिटाई होगी। तो क्या हुआ, जो सुख आज इन नैनों को मिला है, जो सुख आज इन अधरों को मिला है, क्या उसका मोल कुछ भी नहीं। मुझे तो किसी के क्रोध करने की चिंता ही नहीं है। उसके सानिध्य से जो अनकहा सा आनंद मुझे मिला है, उससे तो जैसे कई जन्मों की प्यास मिट गई है। आज तो मैं यशोदा के पास जाकर उतना ही माखन लेकर आऊंगी जितना कि वो चोर चुरा कर ले गया है। हाँ हाँ चलो, यशोदा से हमें शिकायत करनी ही चाहिए। उससे क्या लाभ होगा, वो क्या किसी की मानती है। वो तो हमेशा यही कहती है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। भला मेरे पुत्र को क्या कमी है जो किसी के घर चोरी करेगा। हाँ किसी दिन रंगे हाथों पकड़ कर लाओगे तो मानूंगी।